हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोग को कुछ ना कुछ डेली अपडेट दे रहा हूं, क्योंकि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में जो है फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। यदि आप लोगों ने भी अप्लाई किया कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी, कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन और टेबल बॉय के लिए, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ अपडेट दे रहा हूं, चाहे वो किसी सेंटर से रिलेटेड हो, एडमिट कार्ड लिस्ट, सभी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों से कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। यदि आप लोग भी फिजिकल देने वाले हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर, तो इसी क्रम को जारी रखते हुए आज जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, इनसे मेरी बातचीत हुई है, जिनका कि सेंटर पड़ा था कैदरपुर गुड़गांव में इनका जो सेंटर पड़ा था। तो क्या हुआ है वहाँ पे फिजिकल में क्या क्या चीज़ें कराई गई और रुकने की क्या व्यवस्था है, A to Z रनिंग वगैरह क्या हो रही है, हाइट वेट चेस्ट कैसे हो रही है, तो पूरी जानकारी मेरे आप लोग को जो है मेरे इस वीडियो में मिलने वाली। तो यदि आप लोग का भी सेंटर पड़ा हुआ है कैदरपुर गुड़गांव, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे, सेंटर नहीं पड़ा है फिर भी आप लोग ये वीडियो देखेंगे, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों से मिस ना हो, क्योंकि हर वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है, चाहे वो आप लोग के लिस्ट के प्रिंट आउट प्रिंट से रिलेटेड हो, आप लोग के प्रीवियस में एडमिट कार्ड छूट गए हो, सभी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप लोग सुनेंगे, लेकिन फ्रंट पे फोटो रहने वाली है मेरी जी। हाँ, फिजिकल क्लियर हो गया तुम्हारा? जी सर। चलो भाई, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। जी सर। ये बताओ सेंटर कौन सा था तुम्हारा? सर कादरपुर गुड़गांव था। अच्छा, कादरपुर गुड़गांव। जी। अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा गुड़गांव पहुंचने के लिए, मतलब जैसे कोई बच्चा बाहर से आता है यूपी वगैरह से या अदर किसी स्टेट से, तो कौन सा मतलब रास्ता ठीक रहेगा, मतलब जैसे दिल्ली उतरना पड़ेगा या कैसे आओगे वहां पे? वैसे तो रेलवे स्टेशन भी है, बस स्टैंड भी है, चाहे बस से आ जाओ चाहे रेल से आ जाओ। अच्छा जी। और जैसे मान लो कि जैसे न्यू दिल्ली कोई आता है बंदा? जी जी। तो न्यू दिल्ली से कैसे, मतलब वहाँ पे बस वगैरह तो मिल जाएंगी ना? जी सर, ये जो दिल्ली से बस चलती है ना, ये आनंद विहार से? जी जी, आनंद विहार से ये वहाँ पे छोड़ देती है गुड़गांव के बॉर्डर पे। अच्छा, फिर वहाँ से ऑटो जाता है गुड़गांव के लिए। अच्छा जी सर। तो ये मेन सिटी में है या मतलब अंदर जाके गाँव वगैरह विलेज है कुछ? सर विलेज में है ये, कादरपुर विलेज है। अच्छा विलेज है जी, वहाँ पे ग्रुप सेंटर है इनका सीआरपीएफ का। अच्छा, तो रुकने की कोई व्यवस्था वहाँ पे? रुकने की व्यवस्था सर ऐसा है, वहाँ पे 100 रुपए बाहर खाने पीने के लिए। अच्छा। वे रूम देते हैं 150 से 200 रुपए में। अच्छा अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है, मतलब 100 रुपए वहाँ पे 150-200 रुपए में रूम मिल जाता है। जी सर। अच्छा, तो एंट्री वही तुम्हारी 6:30 बजे हुई होगी वहाँ पे? जी सर, हाँ 6:30 बजे। अच्छा ये बताओ, वहाँ पे जो मीन्स जैसे कि वो लिस्ट लेकर के बच्चे पहुंचे थे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई, लिस्ट लेके जा रहे थे जो। अच्छा, और जो प्रीवियस में बच्चे आए हुए थे जिनका फिजिकल छूट गया, उनको? सर उनके लिए मतलब उन्हें अगली डेट दी जा रही थी। अच्छा, मतलब कि नेक्स्ट डेट पे आप आइए, इस डेट पे मतलब कि हमारा फिजिकल ले लेंगे आपका। हाँ सर ऐसे ही। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ मतलब कि कैसे कैसे फिजिकल हुआ, अंदर कैसे स्टार्टिंग हुई, डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे चेक हुए तुम्हारे सब? सर 6:30 बजे लाइन में लग गई वहाँ पे। हाँ। वहाँ पे एडमिट कार्ड और एक आईडी देख रहे थे। ठीक है। ये फिर अंदर ग्राउंड में बैठा दिया हमें। हाँ। फिर वहाँ पे 4 पर्चों के फॉर्म था, वो फिल करना था। अच्छा, उसमें फोटो कितनी लग रही है? सर उसमें तो फिलहाल फॉर्म में तो एक फोटो लग रही है, 4 फोटो वे आगे लेते हैं, कोई और फॉर्म फिल करते हैं। अच्छा, मतलब 4-5 फोटो लेके जानी है वहाँ पे? टोटल 5 फोटो लेके जानी है। अच्छा चलो, ये तो इम्पोर्टेंट है। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे चेक हो रहे हैं वहाँ पे? सर डॉक्यूमेंट तो नहीं चेक हुए, बस फिजिकल हुआ है। डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं हुए? नहीं सर। चलो ये तो बहुत अच्छा काम हो गया भाई। लेकिन भाई सभी लेके जाओ भाई, क्या पता कभी चेक ही कर लें। जी सर, अलग अलग सेंटर की वो है ना, मैं लेके गया था ओरिजिनल भी और फोटोस्टेट भी, पर वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं देखे कुछ भी। चलो ठीक है, वो सेंटर की बात है, लेकिन भाई सभी बच्चे लेके जाना भी, ऐसा नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट ही लेके ना जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर। चलो ये तो अच्छी बात है। और फिर वहाँ रनिंग वगैरह स्टार्ट हुई होगी फिर? जी सर, फिर उन्होंने मतलब वो हुआ क्या बोलते हैं उसको, बायोमेट्रिक हुई। अच्छा बायोमेट्रिक हुई जी, मतलब अंगूठा लगाते हैं उस पर और फोटो खींचता है। अच्छा अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने बैच वो दे दिया, चेस्ट पे लगता है वो। हाँ नंबर दे दिया। हाँ, उसके बाद ग्राउंड में बैठा दिया, रनिंग थी 1600 मीटर वही 10 मिनट मिल रहे हैं ना?
हाँ सर, सर रोड पे रनिंग थी जी। अच्छा रोड पे रनिंग थी, हाँ रोड रोड ठीक ठाक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, 800 मीटर जाना था, 800 आना था मतलब अच्छा, जी। और बच्चे बच्चे तो सभी क्वालिफाई कर गए होंगे। हाँ जी पहले क्लियर कर रहे थे, 6 में 7 में 8 में सब पहले क्लियर कर दिया था। तो फिर रनिंग के बाद तुम्हारा फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद हाइट वेट चेस्ट हुआ? जी रनिंग के बाद फिर हाइट और चेस्ट और वेट, तो हाइट का बताओ, वहां पे गुड़गांव में मतलब हाइट कैसे देख रहे हैं? हाइट तो नॉर्मल देख रहे हैं, पर कुछ बच्चे निकले हाइट में जब मतलब ऐसा तो नहीं है कुछ बहुत ज्यादा टाइट ले रहे हो कि मतलब जिनका 170 बैठ रहा है उनको 169 पे आउट कर दे रहे हो? वैसे इतना टाइट तो नहीं ले रहे, पर जिनकी मतलब कम है ना उन्हें निकाल रहे हैं बस हाँ नहीं देखो भाई, कम है तो कम तो तुमको बाहर जाना ही जाना है, जी सर। लेकिन अब दिक्कत उनके साथ होती है ना, जिनका मान लो 170 है, बोले कि सर हमारा 170 है, वहां पे पता लगा कि 159 ही बैठा दिया, ठीक है 69 बैठा दिया, 69 पॉइंट कुछ बैठा रहा है, तो ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला ना। ऐसा तो हो नहीं रहा, पर इन्हीं कम निकाल लिया, चेस्ट थोड़ा टाइट नाप रहे हैं चेस्ट वही नीचे से ले रहे हैं ऊपर से? जी, मतलब नीचे से ले रहे हैं पर टाइट नाप रहे हैं बिल्कुल, जिनकी कम है ना निकाल रहे हैं उन्हें। अच्छा, अपील करने का टाइम दे रहे हैं मतलब, जैसे कि भाई मुझे लग रहा है कि नहीं सर ये गलत है एक बार और देखो, तो ऐसा कुछ? हाँ सर ऐसे दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी हाइट या चेस्ट पूरी है तो आप चाहे दोबारा करवा लो मतलब अच्छा, जी। चलो ठीक है, इतना है, बहुत अच्छी बात है। मतलब अभी देखो चेस्ट और हाइट तुम्हारी कम है तो वो तुमको निकलना ही निकलना, अभी नहीं निकलोगे तो आगे जाके निकल जाओगे। जी सर हाँ बस ये होता है ना कि ऐसा ना हो कि जो बच्चा बोले कि सर मेरा 170 प्लस था और मुझे वहां पे 169 पे आउट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, अच्छा, और वेट वेट कैसे देख रहे हैं वहां पे? वेट सर वो लगाया हुआ है उन्होंने मशीन सी, वो वेट वाली अच्छा नहीं मतलब वेट में कैसे, मतलब 50 kg है अब, या कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वेट ज्यादा है तुम्हारा कम है कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ भी बोला किसी को अच्छा, सभी पास हो गए करीब? जी, सब पास कर। हाँ सारे 50 किलो से कम हो, ज्यादा होंगे ना वो? हाँ हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी। और लॉन्ग जंप हाई जंप कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं? नहीं ये नहीं है सर, रनिंग है बस। अच्छा, तो मेल कैंडिडेट भी पहुंचे होंगे वहां तो? हाँ सर मेल ही थे सारे, फीमेल नहीं थे वहां पे। और अच्छा, ये रनिंग के टाइम तुम्हारा कितना कितने कितने का ग्रुप बनाया था, सर वहां पर ग्रुप बनना था 50-50 लड़कों का, टोटल कितने बंदे पहुंचे होंगे तुम्हारे गुड़गांव सेंटर पे, वहां पे एक दिन में जाते 200-250 लड़के, सभी और कितने पास हुए होंगे तुम्हारे हिसाब से? पास हुए सर, बस थोड़ा जिनकी चेस्ट नहीं थी राइट नहीं थी वे निकले हैं थोड़े, मतलब काफी बच्चे पास हो गए तुम्हारे कहने का मतलब? 40-50 बच्चे वही निकले बस, जिनकी चेस्ट कम थी हाइट कम थी। तो चलो फिर तो मतलब एवरेज काफी अच्छा है, मतलब गुड़गांव सेंटर का तो काफी बच्चे निकल रहे हैं, और जी मुझे लग रहा है कि सेंटर में जो बच्चे होंगे वो ये हरियाणा के ही होंगे अधिकतर। नहीं सर, गोरखपुर से भी आए थे, मथुरा से भी आए थे, और दिल्ली के भी है, दिल्ली सेंटर के। जी अच्छा, एक्चुअली क्या है ना कि गुड़गांव का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई वहां तो हरियाणा के तो लड़के वैसे ही लंबे चौड़े होते हैं। जी सर चलो ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट कुछ जानकारी तुम्हें ऐसा लग रहा हो बताने के लिए कि बच्चों को बताया जा सके? चलो ऐसा तो कुछ नहीं है सर, सभी नॉर्मल ही है बस। नॉर्मली, तो बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी दी भाई, एक बार और कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू मेरी तरफ से। दिन में बच्चों का गुड़गांव सेंटर पढ़ने वाला है, सभी को बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है तुम्हारे जरिए, तो इसी प्रकार से आप रिटर्न की तैयारी करो, रिटर्न भी तुम जो है क्लियर करना, ठीक है? तो अभी आप लोगों ने सुना कि जो केदारपुर गुड़गांव में जो सेंटर पड़ा था वहां पे फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं है, रुकने की भी व्यवस्था ठीक ठाक है, ठीक है, आने जाने का मैंने आप लोग को बता ही दिया, और डॉक्यूमेंट्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वहाँ चेक नहीं किए गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाएंगे, डॉक्यूमेंट आप लोग लेके जरूर जाएंगे, फोटोकॉपी भी लेके जाएंगे, हो सकता है आप लोग के डॉक्यूमेंट देख ली जाए, क्योंकि समय टाइम का कुछ पता नहीं, सेंटर का कभी कुछ पता नहीं, ठीक है, यदि चेक होता है तो भी बढ़िया, नहीं होता तो भी बढ़िया, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग जो है अपनी तरफ से पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लेके जाएंगे ताकि आप लोगों से किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ताकि जिनका भी सेंटर पड़ा हो केदारपुर गुड़गांव, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो फिजिकल देने में, जैसे मैं आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ, आप लोग भी दूसरों की हेल्प कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।